नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एलएसी से। भारतीय सेना ने भारत ने अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई की है एलएसी पर, और चीन के जो पीएलए था सैनिकों कैसे फरार हुए हैं। 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा, एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। बस आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद लिख करके चीन को करारा जवाब शब्दों में अपने दिख दीजिए कि चीन को अब हम और पूरा देश कैसे चुनौती दे रहा है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ले चलता हूं खबर की तरफ, क्या कुछ है पूरी की पूरी खबर। भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने 2 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है। ये इस क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। मैं आपको बता दूं, सबसे आक्रामक और ऐतिहासिक बदलाव ये किया गया है। भारतीय सेना ने आपकी अब तक की अपनी शक्ति का रीओरिएंटेशन कर दिया है, यानी जिन सैनिकों की नजरें पाकिस्तान पर गड़ी रहती थी वह सैनिक चीन पर नजर रखेंगे। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद भारत की रक्षा नीति में किए गए यह सबसे आक्रामक और ऐतिहासिक बदलाव है। इस समय चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के कुल 2 लाख जवानों की तैनाती हुई है। अहम बात यह है कि एलएसी पर यह इतिहास का अब तक की सबसे बड़ी भारत की तरफ से तैनाती है, जिनमें 50,000 जवानों को और तैनात किया गया है, और कुल मिलाकर के 2 लाख जवान वहां पर अब हो चुके हैं। 40% से अधिक सुरक्षा वाले जो हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि 40% से अधिक सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो एलएसी पर जवानों की तैनाती की पिछले साल की तुलना में 40% अधिक सुरक्षा बल जुटा रखा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत और चीन दोनों देशों की ने ही एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के मामले में बराबर हो गए, यानी जितने जवान चीन के वहाँ सीमा पर तैनात कर रखे हैं उतने ही जवान भारत ने सीमा पर तैनात कर रखे हैं। जबकि दो देशों के बीच ऐसी स्थिति होती है तो माना जाता है कि दोनों देशों के युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और खुद तैयार कर अपने आप को खुद तैयार कर रहे हैं। हालांकि युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते, युद्ध सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे अमेरिका ने वियतनाम की हार से सीखा था, रूस ने अफगानिस्तान की हार से सीखा, और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार से सीखा, और चीन ने गलवान घाटी में भारत से मिली हार से सीखा है। ये वो उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि किसी युद्ध में सीमा को भौगोलिक स्थितियां यानी कि इलाके की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि चीन अब तक तिब्बत के स्थानीय लोगों के सैनिकों की टुकड़ी बना रहा है जो भारत के खिलाफ ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ सकेंगे। अब भारत की रणनीति क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बता दूं आपको, इन सब के बीच में भारत ने अपने 50,000 सैनिकों को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की चोटियों से हटाकर चीन की तरफ भेज दिया है। भारत ने एक और रणनीति बनाई है, इस रणनीति को भी आज हम आपको समझाना चाहेंगे। दरअसल हाई एटीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंची जो चोटियों पर युद्ध लड़ना एक खास कला है, और किसी भी सैनिक को सीधे ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए भारत ने अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है, और इसके तहत स्टेज 1 सैनिकों को 9 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर भेजा जाता है। यहाँ पर सैनिकों को प्रतिकूल स्थितियों में खुद को ढालने में कम से कम 6 दिन का समय लगता है, यानी अगर कोई जवान यहाँ पहुँचता भी है तो वह युद्ध नहीं लड़ सकता है, उसे कम से कम 6 दिन लगेंगे और उसे के बाद ही वो युद्ध में शामिल होगा। स्टेज 2 होता है कि 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को भेजा जाता है। यहाँ पर सैनिकों को मौसम और दूसरी स्थितियों के साथ खुद को ढालने में 4 दिन लगते हैं, यानी पहले और दूसरे स्टेज में कुल 10 दिन का मौसम और दूसरी स्थितियों के साथ खुद को ढालने में लग जाते हैं, और तीसरी स्टेज की बात करें तो इसमें 3 से 15 हज़ार उससे ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर ऐसा करने में 4 दिन का समय लगता है, और इस तरह से 14 दिन का पूरा चक्र होता है। और भारत ने यह बदलाव किया है, उससे पाकिस्तान की ऊंची चोटियों से अब जवानों को एलएसी पर स्टेज 2 पर भेज दिया, यानी कि 50,000 से जवान 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और इससे भारत 10 दिन में बढ़त मिल गई है। सरल और शुद्ध भाषा में कहें तो जवानों को स्टेज 2 तक पहुंचने में 10 दिन खुद मौसम के अनुकूल ढालने में लगते हैं। वो समय अब नहीं लगेगा, ये जवान पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या अब भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया है चीन? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम बातों से ये साफ तो पता चलता है कि भारत का दुश्मन जो एक नंबर पर पाकिस्तान नहीं बल्कि अब चीन हो गया है,
वर्ष 1947 में जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत के शासन से मिली आजादी थी, तब देश के दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। उस समय महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि इस विभाजन के बाद सांप्रदायिक टकराव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान बनने से भारत की तकलीफें कम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान बनने से कुछ ही हफ्तों बाद जिन्ना ने भारत पर हमला कर दिया और ये हमला तब कश्मीर पर हुआ था। जिन्ना द्वारा किए गए इस विश्वासघात ने उस समय भारत के नेताओं की ही सोच नहीं बदली, बल्कि इस घटनाक्रम ने हमेशा के लिए भारत की रक्षा नीति को भी बदल कर रख दिया था और दशकों तक भारत के अपने हथियारों और तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ रखा। कहने का मतलब यह है कि सीमा पार भारत के लिए पहली चुनौती चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान रहे थे, बल्कि हमारी चुनौती था पाकिस्तान। ये रक्षा किसी भी दौरे में नहीं बदली। 1962 में चीन और भारत के बीच भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी भारत ने पहली चुनौती पाकिस्तान को ही माना था और युद्ध के मोर्चे पर पहली प्राथमिकता पाकिस्तान को दी थी। लेकिन आज़ादी के 73 वर्ष के बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया और अब पाकिस्तान हमारे देश के लिए पहली चुनौती है, बल्कि युद्ध के मोर्चे पर भारत की पहली प्राथमिकता चीन के लिए युद्ध के खिलाफ तैयार कर रखना अपने आप को है। इस समय रक्षा मंत्रालय जो मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध के मोर्चे पर भारत के लिए चीन पहली चुनौती है और पाकिस्तान दूसरी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में संकेत भी दिए कि आज चीन की सरकार के प्रवक्ता को भी इस बात का जवाब आया है। आपको ये दोनों सुनाते हैं, जिसमें बता दें आपको जो सुन जू की हैं द आर्ट ऑफ वार में चीन के महान रणनीतिकार सुन जू ने अब आज के लगभग 2500 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ वार। सुन जू ने इसमें इलाकों का महत्व बताया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि युद्ध में जमीन के बारे में पुख्ता जानकारी सबसे ज़्यादा मददगार होती है, इसलिए जीत पर नियंत्रण के लिए दुश्मन को हालात का अंदाज़ा लगाना, इलाकों की दूरी और मुश्किलों के बारे में सही आकलन करना बेहतर रणनीति के गुण होते हैं। इसी में उन्होंने ये भी लिखता था कि विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वार, वाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वार फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। इसका हिंदी में अगर अर्थ बात करें तो एक विजयी योद्धा युद्ध में पहुंचने से पहले ही अपनी अचूक प्लानिंग से अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेता है, जबकि युद्ध में पराजय होने वाला योद्धा पहले युद्ध में भूमि में जाता है और फिर युद्ध की योजना बनाता है। और इस बार भारत इस बात को पहले से ही यहाँ पर समझ चुका है, यानी भारत की साफ तौर पर भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को और छोड़ करके अब चीन को करारी शिकस्त देने के मूड में है और पाकिस्तान और चीन अब जल्द ही भारत उनको एक ऐसा झटका देने जा रहा है जिसको लेकर के चीन तो एक बार जरूर कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि आखिर भारत ने ऐसे कैसे कर दिखाया, क्योंकि अब भारत ने 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा वहाँ पे किया है। 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा अपने आप में बहुत मायने रखता है, जबकि चीन के साइड से 2 लाख सैनिकों के जमावड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि चीन ने खुद माना है कि उसके सैनिकों के जो हालात हैं बहुत मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं हैं, तो ऐसे में अब उसके लिए युद्ध का जीत पाना बड़ा ही नामुमकिन है। बने रहें इंडियन न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।